डालते रीड की डिश दी जाती है और कहता मैं आशू ऑन ड्यूटी हाय सर क्या मम्मी है ना मम्मी ने तो गाइस मेरा बेड भी सेट कर दिया ये यूनिफॉर्म पैंट शर्ट निकले कल से स्कूल नहीं नहीं आप कल से स्कूल निकलो निकले हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू आवर चैनल आशुतोष तो गाइस अभी गाइस कुछ ऐसा अराउंड टाइम हो रहा है बज रहे हैं सुबह के 11 और गाइस आज तो गाइस आपको मैं 11 बजे घर में दिख रहा हूँ कल इस टाइम में कहाँ पे होऊंगा बताऊँ मम्मी बताओ कल इस टाइम पे मैं कहाँ आऊँगा 11 बजे के टाइम पे स्कूल में यस गाइस सही सुना कल से मैं चला स्कूल सुबह सुबह उठा करूंगा मतलब कितने बैठूंगा मतलब आपके साथ जमी कितने बजे 7:25 का स्कूल है पौने छः और 6 बजे उठूंगा व्लॉग बनाऊंगा नहाऊंगा तैयार होऊंगा स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट करूंगा फिर गाइस मैं स्कूल निकल जाया करूंगा और घर आके आगे ब्लॉग कंटेंट क्या करूंगा मतलब भागे से वैसे स्कूल खुलने से एक काम तुच्छा हुआ गाइस मेरे ब्लॉगिंग की रूटीन मस्त है हाँ मतलब सुबह सुबह उठ के सुबह सुबह ब्लॉग ना ले करूंगा फिर उसके बाद स्कूल जाके पढ़ाई कर ले करेंगे फिर घर आके थोड़ा सा ब्लॉग ना ले करेंगे फिर होमवर्क किया करेंगे फिर ब्लॉग ना करेंगे और ब्लॉग एंड किया करेंगे फिर हम भी सो जा करेंगे फिर अगले दिन से हमारी ज़िंदगी वैसे डेली रूटीन के साथ स्टार्ट हो जाएगी करेगी तो आगे आपको काफ़ी मस्त मस्त इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने को मिल सकते हैं तो इसी बात पे एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है ना मम्मी वन के करीब पहुंच गए हैं पर करवा नहीं रहे गाइस करवाएंगे आपको लगता है करवाएंगे इस साल में करवा देंगे हो जाएंगे इस साल में तो गाइस मेरी मम्मी को विश्वास है इस साल में बन के हो जाएंगे आप विश्वास मम्मी का मतलब सही करवा दो है ना मम्मी को विश्वास करवा दो कि नहीं आप उनकी बात मानते हो और मेरे बन के सब्सक्राइबर कर सकते हो है ना उसी बात पे एक लाइक सब्सक्राइब बनता है और मम्मी पहले बताओ ब्रेकफास्ट में कब बना बड़ी भूख लगी क्योंकि कल इस टाइम पे मेरी होगी रिसेस जिस टाइम पे मेरा चल रहा है ब्रेकफास्ट इस टाइम पे होगी मेरे रिसेस से ब्रेकफास्ट हो जाएगा गाइस सुबह सुबह 7 बजे 7:30 बजे दूध पिया करूँगा साथ में जो खिलाना खिला देना बट इस टाइम पे मेरा कल को टाइम पे होगी रिसेस तो आज का खिला रहे हो ब्रेकफास्ट में दलिया भी आलू बैंगन की सब्जी दलिया की कटोरी तो कैसे पहले मैं नहा लूं फिर नाश्ता कर ले फिर करेंगे गाइस ब्रेकफास्ट फिर आपसे मिलते हैं क्योंकि देखो कल स्कूल है यूनिफॉर्म लगानी आज पूरी तैयारी करनी यूनिफॉर्म निकालनी यूनिफॉर्म को प्रेस करना उसके बाद ऑटो वाले अंकल को फोन करना हाँ जी नमस्ते अंकल जी मैं आशु बोल रहा हूँ कल आप मेरे को ले लेना हाँ जी कितने बजे आओगे अच्छा आ जाओगे ठीक है अंकल जी ओके उनसे बात करने के बाद मैं अपने शूज़ को पॉलिश करूँगा भाई कल पहला दिन है स्कूल का थोड़ी हाँ पूरी तैयारी बैग पैक करना पेंसिल बुक देखना पानी की बोतल भरनी पानी को सुबह कर दोगे मतलब गाइस आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग आने हैं तो कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो लाइक भी कर दो तो मिलता हूँ सुधना आगे तब तक के लिए बाय गाइस सो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है मैं कल लगा अपने थोड़ा सा स्कूल का काम ना हाँ तो होके एकदम फ्रेश हो चुका हूँ मैं ना आगे आ चुका था तो सोचा क्यों ना कल स्कूल खुलने हैं तो थोड़ा सा जितना थोड़ा सा काम रहता है उसको क्यों ना कंप्लीट कर लीजिए काम कुछ ऐसा गाइस ये जो मैप वगैरह है इनको ना स्क्रैप बुक के ऊपर लगाना है तो बस ये लगाऊंगा उसके बाद थोड़ा सा इन 3-4 कॉपीज में थोड़ा बहुत काम है जैसे थोड़ा छोटा मोटा काम है तो बस वो कंप्लीट करेंगे फिर मैं क्या सोच रहा हूँ बाप को इस मिलता हूँ मैं शाम को क्योंकि क्या ना कैसे थोड़ा सा होमवर्क करना है थोड़ी सी रेस्ट भी करेंगे क्योंकि कल से स्कूल जाना है तो सीधा मिलता है शाम को आपको जब करूँगा गाइस स्कूल जाने की तैयारियाँ तो बने रहिए लोगों के साथ बाय बाय तो गाइस मम्मा कर रहे हैं मेरी वाइट यूनिफॉर्म को प्रेस कल गाइस वाइट यूनिफॉर्म का डे है ये मेरी शॉर्ट है ये अपनी पॉइंट और गाइस एक यूनिफॉर्म ये है जो कि ज़्यादा डलती है स्कूल में कम नहीं डलती ये ज़्यादा डलती वाइट हो गाइस वेनेसडे और सैटरडे को डलती है बस और गाइस वो जो यूनिफॉर्म है ना मस्टर्ड कलर की उसको डाल के गाइस मेरे को फीलिंग पता कैसी होती है जैसे कि मैं कोई पुलिस ऑफिसर हूँ है मम्मी लगता ना क्योंकि पुलिस ऑफिसर आपके घर में आ गया कलर ऐसा है गाइस यूनिफॉर्म को डालते रीड की डिश दी जाती है और कहता हूँ मैं आशू ऑन ड्यूटी हाय सर क्या मम्मी है ना और अभी गाइस इधर मेरे यूनिफॉर्म की प्रेसिंग हो रही है इधर गाइस हम करते अपना स्कूल बैग रेडी तो चलो गाइस मिलता हूँ स्कूल बैग रेडी करने के बाद बाय बाय I say where a year ago but all will be okay I move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine So guys, backpack करने के बाद अब बारी है school shoes को polish करने की गंदे तो हैं guys, थोड़े थोड़े गंदे से तो हैं बट अगर ब्रश मार दूँ मैं सोच रहा हूँ पॉलिश कर ही लेता हूँ क्या है ना guys, कल फर्स्ट डे स्कूल का तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा चलो करते हैं And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of Guys, अपने शूज देख लो
भाई एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे गाइस अभी मैं दुकान से खरीद के ले गया हूँ, पूरे नए हो गए हैं। तो बस अपनी गाइस तैयारी फुल हैंड को रखते हैं यहाँ पे, बस तो फुल तैयारी हो चुकी है गाइस अपने स्कूल जाने की। तो बस अभी गाइस मैं जा रहा हूँ नहाने, गर्मी बहुत लग रही है तो नहा के आगे करते हैं थोड़ा सा डिनर, फिर पियेंगे दूध, फिर मिलते हैं सीधा तब को सीधा नहाने के बाद, तब तक के लिए बाय गाइस बाय। गैस मैं तो नहाने जा रहा था बट एकदम से मैं रुक गया, क्यों रुका ये दिखाने के लिए, देख लो भाई मम्मी ने तो गैस मेरा बेड भी सेट कर दिया, ये यूनिफॉर्म पैंट शर्ट स्कूल की बेल्ट ये रुमाल सॉक्स शूज़ मैंने बाहर पॉलिश करके रख लिए हैं और बैग मेरा फुल पैक है। मम्मी बोलती बेटा 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 बहुत छुट्टियाँ बहुत छुट्टियाँ बहुत छुट्टियाँ हो गई, निकलो कल से स्कूल, नहीं नहीं आप कल से स्कूल निकलो, ठीक है मुझे आकर मम्मी ने ऐसे नहीं बोला, मम्मी कह रही चलो बेटा फाइनली 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 आप स्कूल जा रहे हो, बोला मैं ठीक है ठीक है। तो मम्मी भाई बहुत खुश है मैं कल स्कूल जा रहा हूँ और अपनी फुल तैयारी कर दी है मम्मी ने भी, देख लो भाई आगे से गाइस मेरे को खुद करनी पड़ेगी बट आज मम्मी ने कर दी, मम्मी कह रही कल से खुद करियो बट आज मैंने कर दी ठीक है। तो अभी गाइस मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, गाइस हालात देखो कैसे हैं यार, मतलब इतनी गर्मी है आप कमेंट करके बताओ आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे कितनी गर्मी कितनी नहीं यार, अमृतसर में गाइस बहुत गर्मी है। तो आना हार करके मिलता हूँ, थोड़ी शक्ल में सुधार के मिलता हूँ, बाय खत्म बाय बाय टाटा।